उसको ना आला, उसको जाने मत दो, उसको जकड़ो, उसको तेज से उठ जल्दी, नहीं तो पूरा काट के भस्म कर दूंगा। अभी तक जाने का हुक्म नहीं दिया मैं कम बखत, जो पूछा हो उसका जवाब दे जल्दी, नहीं तो काट के भस्म कर दूंगा। कहां मिली बच्ची? शमशान से आया, कब्रस्तान से आया, औरत है, आदमी है, कौन है तू? जोर से काट दूं, काट दूं, जोर से जलाओ, उसके अंदर तेजी से आग लगाओ। हाँ जलाओ उसको तेजी से, हाँ जोर से आग लगाओ उसके अंदर तेजी से, भड़काओ उसके अंदर तेजी से आग भड़काओ। क्या करूं, काट के भस्म कर दूं कि सही से मेरे सवाल के जवाब है देने का है? हाँ कौन है तू, औरत है, आदमी है, कौन है, जल्दी बयान कर, ये बच्ची ने क्या बिगाड़ा तेरा? हाँ क्या नाम है इसका? रीना। हाँ रीना कौशल। रीना कौशल कब मारने का था? आने वाली अम्मा से मारने का था, हाँ लेके जाने का था साथ में, दिवाली की अम्मा सारी तो। हाँ जल्दी जवाब, नहीं तो काट के भस्म कर देता हूं पूरा। उसको छोड़ दे देना, तेरे पूरा जला के राख कर देते। बता जल्दी कहां से आया था, कौन है तू, औरत आदमी है? शमशान से पकड़े, कब्रस्तान से पकड़े तुझे? हाँ ये बच्ची को कब मारो बोले? अम्मास में, पुन्नम में। المشرق والمغرب لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا إنا لدينا أنكال مجمد مزاقصد وأصحاب النعليم يوم تردف اليوم تردف اليوم تردف الجبال كانت الجبال وخبا معيلا إنا إليكم رسول شاهد كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فاز فرعون الرسول يوم يجل البدن شبس فطر مبيح كان وضمف إلينا هذه تاب يعلم أنك تكون مضمسة بالنسبة जकड़ा उसको, छोड़ना नहीं छोड़ना तुझे, छोड़ने का नहीं छोड़ने का, बहुत तकलीफ हो रही है। सही बता तुझे कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से। और ये बच्ची की तेरी क्या दुश्मनी है? कब मारो बोले बच्ची को? अम्मास में, पुन्नम में। छोड़ तो नहीं तेरे को, अब पूरा जला के राख कर दे तुझे, भाग का तेरा रथ चल रहा। वैसा कब मारो बोले थे? बच्ची को कब मारो बोले? संसारा नहीं लगने दे रहा, किरकिरा लगा रहा क्या घर में? और खैर बरकत भी उड़ा दिया घर में की, अब उसकी जान भी लेने का था। सब मालूम है मुझे, सब मालूम है, तेरी जबान ही पूछाना है, नहीं तो काट के भस्म कर दूंगा कम बखत। अगर तेरी जबान चलेंगी नहीं मेरे सामने, फिर वो जबान का मतलब क्या, उसको जला कर राख करने का हुक्म दे देंगे उसको। इसलिए जल्दी बयान कर, हमको सब मालूम है कैसे लड़ाई लगा रहा था तू, क्या क्या मनमानियां चल रहे थे। हाँ उसकी जान लेने की कई बार कोशिश कर दिया तूने हमले करके कम बखत। हाँ
अब फाइनल कब लेने का था? ये अम्मा से मार देने की तैयारी चल रही थी है ना, हाँ बच्ची को कैसा मारने का था? सुसाइड करके मारने का था, एक्सीडेंट करा के मारो बोले थे, कैसा मारो बोले, दूसरे बहन को भी परेशान करो बोले, घर में सबको परेशान करो बोले उसके, हाँ जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, दो टुकड़े कर दूंगा अभी, बोल दू क्या वहां तक काट के बाहर टांगने का हुक्म दे दू क्या? चल जल्दी बोल। तेज के साथ में आग लगाओ उसके अंदर से, हाँ जलाओ उसको और तेज से, नहीं जीत सकता मेरे से, बोला ना मैं तो पूरा भस्म कर दूंगा। हाँ चल बता, उसके घर में लड़ाया कौन लगा रहा था? तुझे लगा रहा था? हाँ क्यों लगा रहा था लड़ाया? कौन बोला था तेरे को लड़ाई लगा? उसके माँ के तरफ के, बाप के तरफ के, किधर के, कौन से साइड के तरफ के लोगों ने बोले? ससुराल के तरफ के, हाँ ससुराल के तरफ के उसके। जलाओ चल बाजा कर रहा बैठ के, चल बाजा करता, चलाओ उसको और से चलाओ, दो तीन सवाल का जवाब दे इज्जत से तो तेरे को छोड़ देंगे, और अगर तू नहीं देगा तो तेरे को जंजीरा डाल के हुकुम देकर तेरे को सारे तेरे टुकड़े करके बाहर टांगने लगूंगा एक एक से, जल्दी मेरे सवाल का। ये अभी ये जो मसला था ये भी दास्तान ऐसी है, बलाएं सब अलग अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के वार रहते, ये लाकर खिला के छोड़ के अंदर भी डाला, इसको भी एक मौका दिए, इसको अमल के दौरान दूसरे चक्कर तक इससे सब बयान करेंगे, कौन डाला था, कहाँ से आई, कौन सी बला है, क्यों लगी, कब बच्ची की जान लेंगे, अभी क्या दास्तान है, क्यों घर के अंदर परेशानी लगा दी, क्यों खैर बरकत उड़ा दिए, बनते सो कामा बिगाड़ के कर्जे में डुबा के डाल रहे, सब क्या दास्तान है, उनके जबानी नहीं भी बोले तो मैं पहले मेरी जबानी बयान कर देता, और मैं तो बोलता ही नहीं, सबसे अहम बात सबसे पहले पूछा ही देता पकड़ के, बोल के क्या फायदा, उनकी जबानी उनका पकड़ के सब पूछा के रफा दफा कराना उसको बोलते के की जानकारी, और दूसरी सबसे अहम बात, सबसे अहम बात, इबादत 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 की राह पे चलो, इबादत की राह पे चलेंगे तो अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, तो वबाओं से, बलाओं से, शयातियों से, ये सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे, अल्लाह की पनाह मांगो, इबादत ज्यादा से ज्यादा करके अल्लाह को बोलना कि तेरी पनाह में रख, ये वबाओं से, ये बलाओं से, शैतानों से, जिन्नातों से, जादू टोने से, इतने खराब चीजें हैं ये, अगर तुम्हारे जिंदगी को लग गए तो सूरज और चांद को ग्रहण कैसा लग जाता, वैसे आलम लग जाते फिर तुम्हारे, तुम्हारे खूबसूरती को ग्रहण लग जाता, तुम्हारे दौलत को ग्रहण लग जाता, तुम्हारे उम्र को ग्रहण लग जाता, तुम्हारे सेहत को ग्रहण लग जाता, और सब लग के लास्ट में तुम आपको वो घर और हलाक कर देते ये बलाए, और साथ में लेके चल जाते मार के। मैं क्या बयान करूं तुम्हारा, क्या दास्तान, मौत से पहले तो मौत नहीं आती, बेशक मौत से पहले मौत पैदा आएगी, मौत से पहले भी तो अल्लाह ने मौत रखा ना, अल्लाह ने फरमा दिया ना हराम मौत करीब मत जाओ, वो मौत से पहले मौत रखी हमने, और अल्लाह ने फरमा दिया शहादत के करीब जाओ, वो हमको बहुत पसंद है, और वो भी तो मौत से पहले मौत है, तो अकल के अंदो समझो, समझ कर जो जान कर अनजान बना तो फिर जो ना मांगे सीखो दर दर मांगे भी, इस्लाम में जाहिल किसको बोले आला है, पढ़े लिखे आलिम ने अगर कोई बात पर अमल नहीं करा और वो बात को एक्सेप्ट नहीं करा, जान के भी अनजाना बन रहा तो फिर जाहिल है वो, तो फिर बेवकूफ जाहिल उसको जाहिल बोले, अनएजुकेटेड को जाहिल नहीं बोला, अनपढ़ को, अनपढ़ को क्यों जाहिल बोली, वो तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे को जाहिल बोला, यानी कि जानकर भी अनजाना बन रहा, जानकर भी अनजाना बनेंगे तो बेटा किसका कुछ नहीं देगा, अपने हाथों से अपनी खबर खोद के अंदर जाके खबर में बैठो, और खबर में भी तुमको सुकून से नहीं बैठने देते, खबर से भी पकड़ के ला के देखे ना कैसे कैसे काम लगाते, अब तुम बोलेंगे ऐसा कैसा खबर में से कहाँ से पकड़ के लाते कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि वो खबर के अंदर तो डालने के बाद तो फरिश्ते रूह लेके चले जाते, देखो ना फरिश्ते क्या ले जाते हैं, क्या ला के पटकते जमीन में, क्या छोड़ते वहां को, थोड़ी बात वहां जितना बताओ तक पता चल, यकीनन रूह को फरिश्ते कैद करके लेके चले जाते, मगर तुम्हारे साथ का जो शैतानी वसवसे वाला जो तुम्हारा हमजाद था, जो दुनिया में तुम्हारा नमाज नहीं पढ़ने देता था, जो तुम्हारा आराम करने लगाता था, आयश व अय्याशा करने लगाता था, वो हमजाद से पकड़ के काम लेते, मिनहा खलक नकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तरतन उखरा, उनके खबर में जो मट्टी दाल के साथ हमजाद दबा देते वो तो उठा के जादूगर काम पे लगा था ना, बहुत अलग अलग दास्तान है, तुमको क्या पता, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे हरकतें मत करो,
दूसरे के घर आकर हम पानी से जला रहे, तुम लोग तो तुम्हारा भी घर यकीन जलेगा कैसे ना कैसे धूप से जलेगा, फिर तुम्हारा तुम दूसरे का गर्म पानी से जला रहे हो। इस बात से बेहतर है कि अल्लाह कहने सुनने अमल करने की तौफीक दे, तुम इबादत की राह ज़ादी अगर को करेंगे चलेंगे इबादत की राह पर, तो तुम्हारा दिल दिमाग अल्लाह और उसके रसूल से रुजू होगा, उधर जुड़ेंगी जाके तुम्हारी सकली, और तुम्हारा दिल अल्लाह और उसके रसूल की राह पे ज्यादा चलने लगा तो फिर वो किसी के साथ बोझ नहीं करता। इबादत करने वाले का दिल किसी के साथ बोझ नहीं रखता, इबादत करने वाले का दिल किसी पे जलता नहीं। तूने गाड़ी लिया तो इबादत करने वाले का दिल बोलता अरे वाह माशाल्लाह अल्लाह तुझे और नमाज खुश होता हो, और बेनमाजी को गुनहगार शख्स तुम बताएंगे गाड़ी लिया बंगला लिया, तुम बोलता बंगला लिया गाड़ी लिया हर अंदर से आग लग जाती उसको जादू करने का। इसलिए इबादत वाले बनो तो तुम सब नेक सालेह बन जाएंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकोला।